सासनी प्रकाश एकेडमी में 3 दिवसीय स्काउट गाइड शिविर कैंप प्रथम बार आयोजित किया गया, जिसमें 5वीं से 8वीं तक के छात्र छात्राओं ने भाग लिया। स्काउट ट्रेनर द्वारा गांठ बंधन, ध्वज, शिष्टाचार, वर्दी, स्मार्ट नेट, गुड ऑर्डर संकेत आदि प्रशिक्षण दिए गए। प्रकाश एकेडमी प्रधानाचार्य सुनील सिंह शाक्य, संयुक्त सचिव भारत स्काउट गाइड प्रिंसिपल दीपक जैन, DOC धीरेंद्र प्रताप ने सभी टेंटों का निरीक्षण किया। कैंप इंचार्ज कोऑर्डिनेटर विचित्रा शर्मा, आरती शर्मा, समस्त स्टाफ साथ में स्काउट ट्रेनर विकास कुमार, दीपक शर्मा, प्रखर जैन मौजूद रहे। निरीक्षकों द्वारा चयनित छात्रों को प्रथम, द्वितीय, तृतीय आने पर स्थान दिया गया। सासनी के प्रकाश एकेडमी में जो 3 दिवसीय स्काउट गाइडलाइन को लेकर के जो कार्यक्रम आयोजित किए गए बच्चों के साथ, किस तरह के कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं इसमें? सर, बच्चों को विभिन्न प्रकार की एक्टिविटीज, बिना बर्तन के भोजन बनाना, टेंटों को बनाना और जंगल की अलमारी बनाना, तिपाही बनाना, मचान बनाना और आपका मंकी ब्रिज बनाना, बिना बर्तन के भोजन बनाना, ये विभिन्न प्रकार की एक्टिविटीज़ों को बच्चों को 3 दिवस के अंतर्गत कराया गया है। और इसी के साथ साथ बच्चों को दीक्षा संस्कार भी दिया गया है। दीक्षा संस्कार में बच्चों को दिलाने के बाद बच्चों का जो नाटक है उसको हम स्काउट गाइड के माध्यम से हम कैंप फायर बोलते हैं, तो बच्चों को मनोरंजन के रूप में कैंप फायर भी हुआ है। उसमें गाना है, नाटक है और विभिन्न प्रकार की गतिविधियों को प्राप्त किया है बच्चों को। किस तरह का देखने को मिला है? मेरे को ये विद्यालय में ये पहली बार यहाँ ये शिविर हुआ है। 3 दिवसीय पर यहाँ छोटे छोटे बच्चों के होने के बावजूद ये बहुत ही जागरूक बच्चे को मैंने देखा इस विद्यालय में, पर जो चीज़ नहीं होनी चाहिए वो भी बच्चों में जागरूकता पैदा हो गई है। क्या नाम है, क्या पद आपका? मेरा नाम विकास कुमार है, मैं DTC हाथरस जिला से। सर, सासनी के प्रकाश एकेडमी में जो स्काउट का शुभारंभ हुआ है, जो 3 दिवसीय था, पहली बार हुआ है जी? इस बार जो सर्वप्रथम यहाँ पर भारत स्काउट गाइड की तरफ से रजिस्ट्रेशन हुआ था, इसी वर्ष हुआ था, तो इसी वर्ष प्रथम कैंप का आयोजन किया गया, जो कि परीक्षा समाप्त होने के बाद 14 मार्च से लेकर के आज के जो 16 तारीख तक 3 दिवसीय कैंप का आयोजन किया गया था। लगभग इसमें 89 छात्र छात्राओं ने प्रतिभाग किया और जो प्रशिक्षक आए थे भारत स्काउट गाइड की तरफ से, उन्होंने बच्चों को समाज सेवा के लिए प्रेरित करना और किस तरह से कठिन परिस्थितियों में भी हम अपना जीवन यापन कर सकते हैं और हम किस तरह से समाज की सेवा, जीव की सेवा, और किस तरह से जो कभी कोई एक्सीडेंट जैसी परिस्थितियाँ आ जाती हैं तो कम से कम संसाधनों में कैसे उनकी जीवन रक्षा की जाए और उन्हें फर्स्ट एड दिया जाए और उनको हॉस्पिटलाइज कराया जाए। और इस समाज सेवा के लिए जो ट्रेनर्स थे बहुत ही मन से उनको इसके लिए प्रेरित किया, तो सभी बच्चों ने बड़े उत्साह से इन 3 दिवसीय कैंप में भाग लिया और अंतिम दिन मनोरंजन के साथ साथ उनको कैंपिंग करना सिखाया गया, जिसमें लगभग हमारे विद्यालय में 8 टेंट बनाए गए, जिसमें 4 टेंट गाइड की तरफ से और 4 टेंट बॉयज की तरफ से, स्काउट की तरफ से बनाए गए। और इस भारत स्काउट गाइड की तरफ से आए हुए पदाधिकारी और हमारे द्वारा और शिक्षक शिक्षिकाओं के द्वारा सभी टेंट्स का, उनके इनवाइट किए जाने पर उन सभी टेंट्स का निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के उपरांत अंत में इन सभी टेंट्स की व्यवस्थाओं को देखकर उनको रैंकिंग प्रदान की गई, तो वो रैंक का रिजल्ट हम आपके न्यूज़ चैनल पर डाल ही देंगे। और बच्चों में बहुत ही उत्साह था, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि ये बच्चे आगे जाके देश के अच्छे नागरिक बनेंगे और मानव की सेवा के लिए तत्पर रहेंगे।
तो अभी सभी बच्चों को मैं आशीर्वाद देना चाहूँगा हूँ, बहुत शुभकामनाएं क्योंकि उन्होंने प्रवेश का कैंप किया और आगे जाके अच्छे नागरिक बने, देश की राष्ट्र की सेवा करें।